अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। ये एक और वीडियो है जो मैं दुबई से बना रहा हूँ। तो इसमें ना मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा है जो गुर्दों की बीमारी का क्या तल्लक है शादी के साथ और हमल ठहरने के साथ, प्रेगनेंसी होने के साथ क्या क्या मसले मसाइल हो सकते हैं। काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि कुछ लोग आते हैं जिनमें गुर्दों का मसला होता है, फिर उनका क्वेश्चन ये होता है कि आया लड़की में प्रेगनेंसी हो सकती है या लड़का बाप बन सकता है। और भी बहुत सारी ऐसी मरूसी बीमारियां हैं जो ट्रांसमिट होती हैं, किडनी डिजीज़ जो हैं। तो मुझे था कि इस पर कॉम्प्रीहेंसिव सी वीडियो बनाऊँ, तो उसको आसानी के लिए ना आई हैव डिवाइडेड दिस वीडियो इनटू थ्री पार्ट। पहला तो आप उसको इस तरह से लें कि शादी से पहले सपोज़ करो एक लड़का एक लड़की उनकी शादी होनी है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें देखनी ज़रूरी है। नंबर वन तो ये देखना ज़रूरी है कि आपको पता है गुर्दों की बीमारी खामोश बीमारी है, सिम्टम्स कोई नहीं होती है, सिम्टोमेटिक होती है। तो इवन एट अ यंग एज लड़का या लड़की किसी में भी किडनी डिजीज खुदा न खास्ता हो सकती है, होने का चांस बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट, क्योंकि जब आपकी उम्र ज़्यादा होती है, आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है, एज की वजह से भी गुर्दों पे असर पड़ता है। तो ये सारे फैक्टर्स यंग एज में नहीं होते, लेकिन यंग एज में मैंने देखा कि ब्लड प्रेशर कॉमन है उसकी वजह से, या कोई क्रॉनिक गुर्दों की सोजिश ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका पता नहीं होता। तो अब ये लड़के या लड़की दोनों में फ़र्क हो सकती है। अगर तो सपोज करो लड़के में कोई थोड़ी सी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है या कोई ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, तो लड़के की शादी हो सकती है, वो बाप बन सकता है। ऑब्वियसली स्टेज पे डिपेंड करता है, जितनी जितनी गुर्दों की बीमारी की स्टेज बढ़ती जाती है, स्पर्म काउंट वगैरह कम हो सकता है, तो थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है फर्टिलिटी पे, लेकिन ओवरऑल उसको इसमें कोई इशू नहीं होता कि वो बाप बन सके। और भी अनलेस के बड़ी एडवांस डिजीज़ हो, वो मल्टीपल मेडिसन ले रहा हो, फिर बाकी जो मियाँ बीवी के तल्लुकात हैं उस पर वो चीज़ असरअंदाज हो सकती है, अदरवाइज ही शुड बी ओके। लड़की के केस में ये कि खुदा ना खास्ता अगर उसको गुर्दों की बीमारी है, उसकी क्रिएटिनिन थोड़ी सी ज़्यादा है, 1.5 से ज़्यादा है, किसी भी वजह से हो सकती है, जैसे यंग लड़कियों में SLE होती है, लुपस नेफ्राइटिस है, क्रिएटिनिन 1.5 से ज़्यादा है या 2 के करीब है, उससे ज़्यादा है, तो फिर प्रेगनेंसी का चांस कम हो जाता है, हमल ठहरने का चांस कम हो जाता है। तो दूसरा ये कि कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जो ट्रांसमिट होती हैं, इनहेरिटेंस में जाती हैं, इनहेरिटेड डिजीज़ होती हैं, जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, एलपोर्ट सिंड्रोम है, कुछ और हेरिडेटरी नेफ्रोनोफेथाइसिस, कई तरह की और भी बीमारियां हैं, नेफ्रोकैल्सिनोसिस है, कई ऐसी चीज़ें हैं। तो उसमें भी अगर पहले से पता हो कि इसकी फैमिली में फॉर एग्जांपल पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, तो आगे बच्चों में वो ट्रांसमिट होने का चांस हो सकता है। तो ये दो फैक्टर आपने शादी से पहले देखने हैं कि आया कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बीमारी तो खुदा ना खास्ता नहीं है, ताकि उस लिहाज से प्लान आउट किया जाए। जैसे मेरे पास कई ऐसे यंग लोग आते हैं जिनको कोई मसला है, वो आपसे डिस्कस कर दें कि आया वो शादी हो सकती है नहीं हो सकती, बाद में कोई इशू तो नहीं होगा। अब दूसरा ये कि शादी हो जाती है, तो शादी के बाद उसमें मैंने पहले बताया कि लड़कियों को कोई इतना मसला नहीं है, वो ही कुड बिकम अ फादर, वो बाप बन सकता है, लेकिन लड़कियों में अगर क्रिएटिनिन ज़्यादा या गुर्दों का मसला है तो प्रेगनेंसी में मसला हो सकता है, हमल ठहरने में मसला हो सकता है, और प्रेगनेंसी अगर हो जाती है तो फिर उसमें कॉम्प्लिकेशंस का इश्यूज़ का चांसेस बढ़ जाता है। कभी कभी क्रिएटिनिन अगर ऊपर हो तो हमें डायलिसिस भी करना पड़ता है, यूरिया क्रिएटिनिन को नीचे रखने के लिए डेली भी करना पड़ता है, ताकि वो प्रेगनेंसी चलती रहे। प्रेगनेंसी होने का चांस ही कम हो जाता है, हो तो फिर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो सकती हैं, और अगर क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ जाए तो फिर उसमें कभी कभी डायलिसिस भी करना पड़ जाता है। यूजली एज अ रूल ऑफ थंब अगर क्रिएटिनिन आपकी 1.5 से ज़्यादा है तो प्रेगनेंसी रिकमेंड नहीं की जाती, हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशंस का चांस ज़्यादा होता है। तो तीसरा ये कि जो पाकिस्तान में बहुत कॉमन है कि सपोज करो प्रेगनेंसी हो जाती है, अब जिस बंदी में प्रेगनेंसी हुई है उसको या तो कोई एग्जिस्टिंग बीमारी है या उसको प्रेगनेंसी की वजह से कुछ किडनी इंजरी की टाइप्स होती हैं, जिसे हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड या प्रेगनेंसी रिलेटेड एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं, कि गुर्दों की आर्जी बीमारी है जो कि कभी कभी परमानेंट में भी चेंज हो सकती है, वो हमल ठहरने की वजह से हुई है। तो उसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, उसमें प्री क्लैम्पशिया है, क्लैम्पशिया है, हाइपरटेंशन है, HUS है, TTP है, TMAs हैं, कॉर्टिकल नेक्रोसिस है, हेल्प सिंड्रोम है, एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी है, मल्टीपल चीज़ें हैं।
तो और दूसरा ये कि हमारी जो कि प्रीनेटल केयर इतनी अच्छी नहीं होती, प्रीनेटल केयर अच्छी ना होने की वजह से कॉम्प्लिकेशन होती है, जैसे पोस्टपार्टम हेमरेज हो जाता है या एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है या हीमोग्लोबिन बहुत कम है। तो मेरी उसके बारे में रिकमेंडेशन ये है कि एक तो नंबर वन किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के साथ अपनी प्रीनेटल केयर अच्छी करें, फॉलोअप ज़रूर करें, मंथली चेकअप ज़रूर करें ताकि आपका ब्लड प्रेशर चेक हो, क्योंकि ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी में भी हो सकता है, प्रेगनेंसी की वजह से ज़्यादा भी हो सकता है, और कभी कभी ऐसे होता है कि पहले पता ही नहीं होता तो उसी वक्त पता चलता है, तो वो ब्लड प्रेशर भी कुछ लोगों में शुगर हो जाती है उसकी वजह से भी इशू हो जाता है, मल्टीपल इश्यूज अराइज होते हैं, कभी कभी प्रोटीन आनी शुरू हो जाती है पेशाब में, वो प्री क्लैम्सिया की वजह से वो जो प्रोटीन आती है उसमें फिर एडिमा हो सकता है, बीपी बढ़ सकता है, फिट्स बढ़ सकते हैं। तो इस सारी सिचुएशन में अगर स्पेशली कोई किडनी से रिलेटेड कोई इशू है, ब्लड प्रेशर है, प्रोटीन आ रही है या प्री क्लैम्सिया है, तो उसमें तो साथ साथ नेफ्रोलॉजिस्ट भी फॉलोअप करेगा, वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी बन जाती है, यानी कि गायनेकोलॉजिस्ट नॉर्मली फॉलो करते हैं लेकिन इसमें एवरी अदर वीक या वंस अ मंथ नेफ्रोलॉजिस्ट भी फॉलो करता है। मेरे पास रिसेंटली एक बच्ची आई थी, उसकी क्रिएटिनिन 2.5 थी, तो उसके अच्छे फॉलोअप की वजह से अल्लाह का शुक्र है कि उसने उसकी प्रॉपर जो है ना वो सारी केयर भी हुई, गायनेकोलॉजिस्ट भी अच्छी थी, प्रेगनेंसी भी टर्म तक गई, उसने डिलीवरी भी की, हेल्दी बच्चा प्रोड्यूस किया। तो अगर सही तरह से फॉलोअप किया जाए तो आप कॉम्प्लिकेशंस को बचा सकते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी रिलेटेड किडनी के मसले हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकते हैं, तो इसलिए अगर प्रेगनेंसी हो हमल ठहरे तो उसमें सारे नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाना, स्पेशली अगर कोई ऐसी इंडिकेशन है कि आपका गायनेकोलॉजिस्ट रेफर करे तो उससे कभी भी बाज नहीं आना चाहिए, ज़रूर दिखाना चाहिए। तो ये सारी मैंने जो शादी से रिलेटेड और हमल से रिलेटेड और प्रेगनेंसी और कपल के इश्यूज और रिलेशनशिप, उसका जो गुर्दों की बीमारी के साथ ताल्लुक है उस पर बात किया। ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी और चीज़ें हैं, हर बंदे की केस फ़र्क हो सकती है, ट्रीटमेंट ऑप्शंस फ़र्क हो सकती है, उसको इंडिविजुअलाइज करना होता है, सारी चीज़ें एक तरह से नहीं होती, वरना तो बड़ा सिंपल होता। तो उसके लिए फिर आपके केस में जो आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है वो फिर आपको नेफ्रोलॉजिस्ट बताता है। कभी कभी प्रेगनेंसी टर्मिनेट भी करनी पड़ती है, क्योंकि अगर नहीं करते तो बच्चे को और माँ को दोनों को ख़तरा हो सकता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होएगी और ये जो बैकग्राउंड है बड़ा मज़े का दुबई का, ये भी पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।